हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपोलो हॉस्पिटल शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको लेवल भी समझ में आए, साथ ही साथ लॉजिक भी आपको समझना है, जिससे कि आपको टेक्निकल एनालिसिस को सीखने में बहुत हेल्प होगा। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं अपोलो हॉस्पिटल शेयर के ऊपर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मंथली चार्ट के ऊपर बात करते हैं। मंथली चार्ट के ऊपर हम लोगों ने प्रीवियस मंथ भी बात किया था, और यहाँ पे क्लियरली हम लोगों ने देखा था 5000 के लेवल के ऊपर जो है स्टॉक आपको कंफर्टेबली क्लोज दिया था मंथली बेसिस पे। वापस से अगर इस मंथ में हम लोग देखेंगे, प्रीवियस मंथ में स्टॉक ने हाई लगाया था 5294 का, इस मंथ में स्टॉक जो है करेंटली आपको 5340 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऑलरेडी वीकली बेसिस पे क्लोजिंग दे चुका है और स्टॉक ने हाई लगाया था 5364 का, तो प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर एक रेसिस्टेंस देखेंगे तो ऑल टाइम हाई का रेसिस्टेंस है 5935 का। चलिए बात कर लेते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। अगर हम लोग यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे, वीकली चार्ट में प्रीवियस मंथ के ब्रेकआउट के बाद हम लोगों को एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिला। स्टॉक जो है यहाँ पे आपको 6 वीक ऑलमोस्ट एक ही रेंज में ट्रेड किया। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो क्लोज टू 6 वीक स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड किया, और इस वीक आफ्टर 6 वीक्स स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट देके प्रीवियस सभी 6 वीक्स के हाई के ऊपर क्लोज दिया है। तो इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग पोजीशन किस हिसाब से बिल्ड करेंगे। डेली चार्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पे पोजीशन लेंगे, पोजिशनल बेसिस पे ये ट्रेड होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं करंट मार्केट प्राइस पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मंडे के सेशन में अगर स्टॉक फ्लैट खुलता है या आपको 5-6 रुपीज ऊपर नीचे खुलता है, तो भी हम लोग इस स्टॉक में जो है बाई करेंगे। हम लोगों का SL जो है यहाँ पे आपको 5100 के लेवल के नीचे होगा। अगर 5100 के लेवल के नीचे स्टॉक डेली बेसिस पे क्लोज हो जाता है, तो फिर आप यहां से एग्जिट कर जाएंगे। तो हम लोगों का ओवरऑल जो स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट आपको क्लोज टू 250 पॉइंट का होगा। ऊपर की साइड में हम लोगों का जो है मिनिमम टारगेट भी आपको 500 टू 600 पॉइंट होगा, क्योंकि हम लोगों को दिख रहा है जो नेक्स्ट जो इमीडिएट रेसिस्टेंस है वो आपको 5900 पे है। तो 600 पॉइंट का जो है हम लोगों को एक अच्छा स्विंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ एक अच्छा कंसोलिडेशन भी हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ही आपको हाई प्रोबेबिलिटी है, जो एक रेंज से स्टॉक निकल रहा है, वीकली चार्ट पे भी रेंज ब्रेकआउट है और डेली चार्ट पे भी रेंज ब्रेकआउट है, मंथली कैंडल पे भी स्टॉक स्ट्रांगली यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऊपर की साइड रेसिस्टेंस जो है वो आपको 600 पॉइंट अवे है, तो इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा तेजी ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।